बहुत खतरनाक हैं वो लोग, उनसे उलझना ठीक नहीं है। पर बहुची वो भाग जाएगा। गंगा, मैंने कहा ना पुलिस पकड़ लेगी उन्हें। बेटा, तुमने उन्हें पहचान लिया है और मेरे पास उनकी तस्वीर है, अब वो लोग कहीं नहीं जा पाएंगे। और वैसे भी बहुत सारा सामान लेना है, चलो चलते हैं। शाम को जब बाबू आएंगे ना, तो फिर हम उनके साथ पुलिस स्टेशन जाएंगे, ठीक है? महाराज जी भी ना, खुद तो काम का बहाना बनाकर गायब हो गए, अब उनके हिस्से का भी काम हमको ही करना पड़ता है। दा? मेरा मुंह क्यों देख रही है? जाके छत पे कपड़े है उठा ले, बरसात होगी तो गीले हो जाएंगे, चल। अरे और लेके जाओ। हे, क्या बात है सुधा, सबसे पूछो कुछ बताती नहीं, आजकल तो मुझसे मिलने भी नहीं आती है, और उस दिन आश्रम में ठीक से मुझसे बात भी नहीं की, रूठी रूठी अकड़ी अकड़ी से रहती है, क्या बात है बोलना। कहने को तो अम्मा जी कहती है ये, और फिर मुझसे बात छुपाती, बताओ ये कोई बात हुई? सुधा, गंगा, क्या हुआ बेटा? मैंने कहा ना, आपके बाबू और पुलिस मिलकर उस गुंडे को पकड़ लेंगे, चिंता मत करो। देखो, तेल लेना तो मैं भूल ही गई, चलो तेल लेते चलो। अब क्या हुआ गंगा? वो देखो पहुंची वो लोग। चलो यहाँ से, अगर उन लोगों ने तुम्हें देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, चलो चलो चलो। बोझी, कोई और भी उनके साथ जो बात कर रहा है। गंगा, चलो गंगा। मेरे एडमिशन के लिए आपने पापा से फॉर्म और नकली मार्कशीट ली थी ना, लेकिन प्रिंसिपल सर ने बताया कि वो फॉर्म सबमिट हुआ ही नहीं, तो रिपोर्टर्स को किसने बताया कि वो मार्कशीट नकली थी? आपने, है ना? क्यों फूफा जी, पापा को बदनाम करने के लिए, उनका करियर खराब करने के लिए? गंगा को नीम की गोली खिलाई ताकि वो मुझे या सागर के पापा को प्रिंसिपल वाली बात बता न सके? इतनी सी बच्ची के साथ उसकी जान का खिलवाड़ किया आपने? और सुधा जी, उन पे बुरी नजर डाली और उन्हें धमकाते रहे, गंगा को भी, कि कोई मुंह ना खोले। गंगा हमेशा सच बोलती है, गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, इसी डर से आपने उस बच्ची को उस नर्क में बेच दिया जहां इज्जत का सौदा होता है। आपकी इस हरकत ने साबित कर दिया जीजाजी कि आप इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। सब झूठ है साले बाबू। अरे हम नहीं तो आपको पता बताया था ना गंगा का नाटक था, दिखावा था आपने, पन का, शराफत का। आप अपनी बुराई को नेकी में बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब आपकी कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी, कलाई खुल चुकी है। बहुत बोल लिया आप लोग, चुप हो जाइए अभी, पकड़ में। हाँ साले बाबू, अम्मा जी,
सब हमने किया है, सब हमने किया। पता है क्यों? क्योंकि इस घर पर राज करना था हमें। अरे अपनी जगह बनानी थी।